सो गाइस ये वाला जो ड्रेस है ना, ये निखिल ने मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे पे दिया। दही भल्ले, तो दही भल्ले के पहले बल्ले बन रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आप ट्राई करो, यहीं पे खड़े होके करो ना, आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा है, नाइस। वो भयंकर इताची वाला लगा रखा है। गाइस मैं आप लोग को एक बहुत ही भयंकर चीज दिखाती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं घर जा रही हूँ। सो अभी मैं हूँ घर पे एंड अभी शुरू करते हैं तैयारियाँ सब चीज़ों करने की, क्योंकि अभी से करना पड़ेगा तभी वो जाके शाम तक रेडी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो ऑब्वियसली बात है आधी चीज़ें तो मम्मी बनाएंगी, बट कुछ चीज़ें जो मुझे बनानी है उसकी तैयारी मुझे अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसकी तैयारी मुझे पहले से करना पड़ेगा। मैंने मम्मी को बोला था भिगा के रखना, मगर मम्मी ने भिगा के नहीं रखा है, तो वो अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। सो ये खाते खाते अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें रेडी है। बस पापा का बस काम है पंखा बंद कर देना, ठीक है ना ये। सो गाइज अब हमारा मिशन शुरू हो रहा है। ये देखिए अब हमें क्या कर रही है, इसमें क्या है, फोटा है और ये दाल भिगा चुका भिगा को पानी फ्रेश हो गई हो इसमें, तो वो वही जान ना कालो दाल दाल ले गए थे तेरे बाबा ने कोई, और कालो दाल ले रहा हो देगा कुछ छिपकल वाला ले रहा है। चलो छोड़ो, मूंग को दाल के ही बनाई दूंगा और भी रामो कालो दाल ठंडा होगा, मैंने थोड़ा सा मिक्स कर चुके लेकिन। सो अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारियां, यहाँ पे बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं। लाइट तो जलाया नहीं है। गाइस देखो मेरा रूम, ये मेरा पुराना रूम, मेरे बच्चे, अभी इसमें आधे बच्चे तो है ही नहीं बाहर, सारे मम्मी ने आधे तो मुझे पता है अंदर डाल दिए होंगे, क्योंकि गुड्डे वगैरह जो भी मेरे सॉफ्ट टॉयज थे, क्योंकि वो धोने भी पड़ते, कितने गंदे हो रखे हैं, अगर मैं होती तो इनको धो रखा होता है। देखो इन इसका पीलापन देखो तो कितना गंदा हो रहा है। अरे हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला फोटो हमारा है ना गाइस, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं बताना। तो अभी मेरे को यहाँ से हंट करना है कपड़ा, क्योंकि मैं इस कपड़े में खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे गर्मी हो रही है। सो देखते हैं कि इधर क्या क्या है। तो मेरा सामान पड़ा रहता था नीचे वाला सेक्शन में, शूज रहता था, यहाँ ऊपर कपड़े लग टंगे रहते थे, अभी तो सब कुछ ही बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ क्या है, मतलब कुछ सामान ही नहीं है इसमें, जो मम्मी ने वो वैसे ही रख दिया है ऊपर ऊपर से। साड़ी सूड़ी है इसमें, तो पता नहीं क्या क्या है। सो अभी निकालते हैं अपने सामान एंड अभी मुझे करना है बहुत सारी चीज़ें। तो सो गाइस ये वाला जो ड्रेस है ना, ये निखिल ने मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे पे दिया था, मतलब हमारे रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के बाद ही मेरे को फर्स्ट बर्थडे में दिया था। मैं तो भूल ही गई थी इस ड्रेस के बारे में, मैं आप लोग को ये लगा के दिखाती हूँ। सो गाइज ये है वो ड्रेस जो कि निखिल ने मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे में दिया था, जो कि मैं अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और एक्चुअली मैं स्पेशल बोल रही हूँ, स्पेशल इसलिए क्योंकि ये उन्होंने अपने आप पसंद करके दिया था, मतलब फर्स्ट बर्थडे था तो उनको पता नहीं था कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है कैसी चीज़ें, और मेरे को अपने पसंद की चीज़ें लेना पसंद है या किसी और के पसंद से सरप्राइज वाला पसंद है, तो ये उन्होंने अपने पसंद से दिया था मुझे, तो इसलिए ये मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दिया। वरना मेरे सारे ज़्यादातर जो भी मैं यूज़ नहीं करती कपड़े, वो मेरी दीदी की बेटी को चले जाते हैं, जैसे कि आप उन्होंने देख ही लिया है। सो ये वाला बट मुझे फिट हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, वरना आपको दिख ही रहा होगा ये मोटापा। सो दिस ड्रेस स्टिल लुक्स क्यूट। तो ये रहा मेरा निखिल का फर्स्ट गिफ्ट जो कि उन्होंने मेरे बर्थडे पे दिया था, एंड ये अभी भी मैं यूज कर सकती हूँ। तो आप लोगों को ये गिफ्ट कैसा लगा, मतलब ये ड्रेस कैसा लगा आप लोग बताना, कि लेकिन की चॉइस कैसी, क्योंकि देखिए की चॉइस मैं भी हूँ।
सो जो उस फर्स्ट बर्थडे के बाद जो भी मिला है मुझे वो मैंने अपने पसंद करके लिया है, तो जो भी मिला है मुझे उसके बाद वो मैंने खुद पसंद करा है, मतलब चॉइस करी है, तो वो मिला है मुझे। सो वो तो मेरे अपने पसंद का है, बट ये निखिल के पसंद का है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। राइट, जैसे कि मैं भी निखिल की पसंद हूँ और मैं भी बहुत स्पेशल हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से काम करते हैं, वरना मेरी मम्मी मुझे डांटने वाली है। सो गाइज, आई हैव चेंज माई आउटफिट इन टू दिस। तो अब कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, तो अब चलते हैं काम करने। क्या हो रहा है यहाँ पे? लेग पीस बन रहा है, लेग पीस चिकन लेग पीस। सबने बकरे का लेग पीस खाया है, होगा देखा होगा आप लोगों ने, हमारे घर में देखिए उखड़े का भी खाते हैं। चिकन लेग पीस का ही हम प्योर एशियन है, एशियन लोग खाते हैं भाई। ये देखो, यो पास मत लाओ ना, इधर करो मम्मी, ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे मुंह में सामने। ये सारे एशियन जो असली एशियन होते हैं ना, वो लोग ये खाते हैं। हम असली है ना, इसलिए हम ये खाते हैं। अगर आप लोग नहीं खाते हो तो आप नकली हो, आप नकली हो। चाइनीज ओडले भी खान चाहिए था जुल्ला, कोरियन ओडले भी खान चाहिए, उनको तो दुकान में भी बिक चाहिए। देखिए इस इन लोगों की टंगड़ी काट के खाई है हमने। देखो ये मम्मी ने, ये आम के पेड़ में लगा होता है जंगलों में, राइट, तो ये मम्मी ने पता नहीं जंगल से तोड़ के लेके आए और अमरूद के पेड़ में लगा दिया, बट ये अमरूद के पेड़ में चिपकता नहीं है, तो इसमें मम्मी ने उसमें रस्सी बांधी, क्योंकि अमरूद का पेड़ हर साल अपना छिक मतलब जो कवर होता है वो निकालता है, राइट, तो ये पेड़ से ही जड़ पकड़ता है, लेकिन इसका कवर देखो, जैसे ये अमरूद का पेड़ का ये कवर निकलता है तो ये उसके साथ निकल जाता है, तो इसलिए मम्मी ने उसको बांध ही दिया है। और कितना अच्छा खिल रहा है ये फूल। तो गाइज अभी मैं बना रही हूँ दही भल्ले, तो दही भल्ले के पहले बल्ले बन रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रहे हैं यहाँ पे, ये बल्ले बल्ले बन रहे हैं। अभी दही मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ, बस उसका रेड वाला चटनी बना रहा है। सो उसके लिए इमली भिगा के रखा हुआ है, इसको मैं अलग से बनाऊंगी अभी बाद में, पहले ये बना के अलग से रख देती। ये मूंग की दाल वाला है, उड़द दाल वाला नहीं है। मम्मी का फोन आ, मैं अंदर गई थोड़ी देर ही बैठी थी, मैं अंदर गई और थोड़ी देर ही बैठी थी और मेरा ये पकौड़ी का ये हाल हो गया है। तो अभी मैं ये ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। इसमें मैंने ये काला दाल वाला है और ये मूंग का दाल वाला है, सो इसको ट्राई करते हैं। इसमें दही डालना है, वही को लगी लो, देखिए रखो बस, तो बने अच्छा। ये रही मेरी इमली की चटनी है, मैंने अभी अभी बनाई है। सो गाइज ये रहा मेरा बनाया हुआ, मैं ट्राई करती हूँ, मम्मी ट्राई कराती हूँ। यहाँ पे बैठ के प्याज छील रही है, इसको पकड़ो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट मी, मम्मी पहले मैं ना, रुकना यार, रुक जाओ ना मम्मी, क्या है, रुक ना, सबर का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट करो। वेरी नाइस। अपने आप खा की अपने आप, चलो आप करके बताओ फिर। ये वाला वो है क्या? अरे दोनों मत लो ना पहले ये, हाँ ये वाला लो, ये वाला, ये है, ये है काला दाल वाला, ये सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है काला दाल वाला। ये वाला थोड़ा सा हार्ड है मूंग का दाल वाला, लेकिन मजा आ रहा है इसमें खाने में, क्योंकि मैंने इसमें वो भी डाला था, हींग है ना। अच्छा बनाया, मैं अच्छा ही बनाती हूँ। नाइस, वेरी नाइस। चलो पापा को भी ट्राई करा देते हैं इसमें से। गाइस ये हमारा चूल्हा, जहाँ पे वैसी चीज़ें बनती है जब बहुत सारे लोग आ रहे होते, तो इस वाली जगह में बनता है। पहले ये तो बहुत अच्छे से था, बट अब यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं करता इस चूल्हे को, तो ये ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा है। पापा
पापा का फेवरेट है ये, क्या बोलते उसे, दही बल्ला। चलो अब आप ट्राई करो, यहीं पे खड़े होके करो ना, आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा है, नाइस। वो बैंगर इताची वाला लगा रखा है। नाइस रे। चलो भाई अब बन गया मेरा वाला। अभी मासू बना, मासू पीछे बना रहा क्या, घर में ही तो बना रहा नहीं मित्रा। सो गाइज, मैं बहुत सारी चीज़ें बना चुकी हूँ, बहुत सारी तो क्या मतलब 3-4 चीज़ें बना चुकी हूँ। और अभी भी मैं मासू भी मम्मी पूरी की तुई बना, मैंने सोचा था मम्मी बनाएगी बट अब मेरे को ही बनाना पड़ेगा। सो मैं मासू बनाती हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ पोटा कैसे बनाया है वो, क्योंकि बन के रेडी है। यहाँ पे बना है वो दाल, ये वो वाला दाल है, मैं आप लोग को दिखा दूँ कौन सा वाला, इससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये वाला दाल है बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, लोबिया का दाल। ये रहा मेरा पोटा, ये रहा पोटा, ऐसा दिखता है ये दिखने में एंड टेस्टी होता है बहुत। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसका ढक्कन बहुत गर्म हो रहा है। मीट के लिए जो मसाला चाहिए उन्होंने अलग से निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, ये एंड टमाटर का पेस्ट, टमाटर प्याज का पेस्ट है ये। अब ये थोड़ा सा उसके लिए डाल दूँगी बस, तो तेल गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है, बस बना। गाइस मैं आप लोग को एक बहुत ही भयंकर चीज़ दिखाती हूँ। मम्मी बहुत ही भयंकर चीज़ है ये है हमारे खुट्टे का पकौड़ी। क्या बोलते हैं उसे, काला दिखने से क्या होता है, ये दिखने में सिंपल बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, क्या बन जा रही तेला, क्या मतलब उसमें वर्ड आ रहा ना, वो वाला डिश है। लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको पहले पोल के इसका छिक्कल निकालना पड़ता है, फिर उसको धोना पड़ता है उबाल के, फिर उसको नखून काटना पड़ता है, सब करना पड़ता है, उसके बाद जाकर फिर इसको इसका मसाला बना के इसको पेस्ट बना के चिपका के तब इसको फ्राई करना पड़ता है। तो इसको बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ को बनने में। और यहाँ पे मम्मी चटनी बना रही है, चिकन भी बन जाएगा थोड़ी देर में, बस सब कुछ बन गया है, बस एक राइस बनना बाकी है और तो मम्मी खुद ही बनाएगी। सो गाइस जब से आई हूँ मैं तब से कुछ ना कुछ कर रही हूँ, अब जाके मुझे बैठने का टाइम मिला है तो अब मैं आराम से बैठूंगी। ओह माय गॉड, मेरे तो पैरों को आराम मिला। गर्मी भी हो रही है, अब थोड़ी देर पड़ लेट जाऊंगी मैं तो, गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, थक गई मैं। अब जब तक दीदी लोग नहीं आएंगे तब तक मैं ऐसी पड़ी रहूँगी। ले तू ले ले, छाट गया अब ये खतरनाक हो गए। आजा अब ऐसा होता रहता है, तू क्या मुझे मैं खा रही हूँ अपना बनाया हुआ, एक कुकर भात देकर ना बनाया मैंने दोबारा। ये शख्स को देखो गौर से देखिए, ये शख्स कौन है, इसे देखिए, इसे न्यू में ना समझ नहीं लिया है। कंटिन्यू कंटिन्यू टमाटर दो भाई, खाना बना के ना।
मैले काट्ने पिट्ने मैले गर्दैछु पनि बनाउने हेरे भने ओके गाइस फाइनली काम खत्म हो गया, गेस्ट भी खत्म हो गए, मतलब गेस्ट भी अब जा रहे हैं। मम्मी लोग आए थे, मम्मी लोग तो चले भी गए, सो अब मैं जा रही हूँ। मम्मी लोग को भेज दिया मैंने, क्योंकि ऋषिमा भी आ रही थी तो उसको लेट हो रहा था। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मेरे को भीना छोड़ देंगे घर तक क्योंकि वो उसी रास्ते से जाते हैं। सो अभी चलते हैं यहाँ से गाइस, एंड अब मैं जाके सिर्फ सोना है मुझे, तो यहाँ का सब कुछ हो गया है। चलो भाई हम जा रहे हैं, भाई मम्मी बाय, चलो बाय 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 बाय। चलो भाई मेरा मकई क्या मेरे जाएगी वो क्या मोगा जाने। सो गाइस क्या बोलते हैं, पता है जब से मैं आ रखी हूँ तब से मैंने मुंह भी नहीं धो रखा है, सो अब मुझे मुंह भी धोना है। ये देखो इन दोनों को बाय बोल दो, अब तो हम जा रहे हैं। So, अब चलते हैं घर। गाइस बाय, चलो भाई मैं आऊंगी 15 तारीख को। टेंगले टेंगले कर रहे हो, चलो चलो फिर बाय बाय। अरे जो सूतो ना बा, चुपचाप ले सूतो। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे। सो कल मैं आ गई थी रात को 11 बजे, मम्मी लोग को मैंने जल्दी भेज दिया था क्योंकि मम्मी लोग भी आए थे, सो निखिल लोग मम्मी लोग, तो क्योंकि मुझे वहाँ पे काम वगैरह भी ख़त्म करके आना था, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ा सा लेट ही आए थे। सो मैं दीदी लोगों के साथ वापस, जब दीदी लोग जाते थे मैं उनके साथ आ गई थी क्योंकि वो जाते तो इसी रूट से हैं। सो तो कल रात को मैंने वीडियो एंड नहीं किया, तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने कल का व्लॉग एंजॉय किया हो, कल का दिन एंजॉय किया होगा हमारे साथ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्लीज़ 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 कमेंट एंड क्या बोलते हो उसे, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला है, आपको कौन सा पार्ट भी अच्छा लगा है ठीक है वो कमेंट करके मुझे नीचे बता देना, सो दैट और जो चीज़ नहीं अच्छा लगता आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में वो चीज़ भी आप कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।